स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जो हमने बात की थी वो थी हमारे पास के परसेप्ट्रॉन ट्रेनिंग रूल क्या होता है। उसमें हमने वेट्स को अपडेट होते देखा था कि हमारे पास वेट्स कैसे अपडेट होते हैं। हमने कंप्लीट एक एग्जांपल भी इसे सॉल्व की थी। अच्छा, जो आज का हमारा टॉपिक है ना, ये आप ये समझ लो कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की ना एट द कोर है। ये है ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम। ये ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम काम कैसे करता है, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पेश आई, और इसमें कैसे हम मतलब अपने वेट्स को ऑप्टिमाइज करते हैं या कॉस्ट को मिनिमम से मिनिमम करते हैं, हमारा आज का टॉपिक ये है। सो इस टॉपिक को करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बताऊंगा कि हमारे पास ये एक एग्जांपल है, मतलब एक लीनियर रिग्रेशन की एग्जांपल है। इस एग्जांपल के अकॉर्डिंगली टू मेक आवर हाउस एग्जांपल मोर इंटरेस्टिंग, लेट्स कंसीडर स्लाइटली द रिचर डेटा सेट इन विच वी ऑल्सो नो द नंबर ऑफ बेडरूम्स इन ईच हाउस। मतलब आप ये कह लो कि हमारे पास ये दो डाटा पॉइंट्स दिए हुए, इसको मैं एक्स वन कह देता हूँ, इसको मैं एक्स टू कह देता हूँ। ये दो हमारे पास डाटा पॉइंट्स दिए हुए हैं। हमने करना क्या है, करना हमने ये है कि हम हाउस का एरिया और उसमें नंबर ऑफ बेडरूम की बुनियाद पर हम ये देखेंगे कि उस हाउस की प्राइस क्या है, हम प्राइस एस्टिमेट करेंगे। सो ये प्राइस एस्टिमेट करने के लिए हमारे पास जो तरीकाकार है वो हम मतलब अपने वेट्स को ऑप्टिमाइज करेंगे। कैसे करेंगे, लेट्स डिस्कस। ये आप थ्योरी है, इसको आप अपने तौर पे एक दफा पढ़ लेना। लेट्स एक्स एज द टू डायमेंशनल वेक्टर, ये एक वेक्टर है टू डायमेंशनल, आपको पता है कि ये वेक्टर में कैसे इसको स्टोर किया जाता है। तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे हाइपोथेसिस पे लेके जाता हूँ जो कि हमने बनाया है। याद रखो कि ये जो थीटा या डब्ल्यू, ये दोनों एक ही चीज है, मतलब ये वेट्स होते हैं, ये वेट्स है। सो हेयर थीटाज आर द पैरामीटर्स ऑल्सो कॉल्ड द वेट्स, पैरामीटराइजिंग द स्पेस ऑफ द लीनियर फंक्शन मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई। मतलब हमने क्या करना है, हमने इसको मैप करवाना है यहाँ पे वो कौन से पैरामीटर हैं जो इनको प्रिडिक्ट करना शुरू कर दें, जो इनकी एक्चुअल कॉस्ट बताना शुरू कर। When there is no risk of confusion, we will drop the theta subscript this one and write। मतलब हमने उसको एक सिंपल इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया इस कंप्लीट हाइपोथेसिस को। अब आप ये कहोगे कि ये कैसे लिखा, इनफैक्ट ये ऐसे लिखा है कि हमारे पास ये थीटा का भी एक वेक्टर है, थीटास का ये वाला वेक्टर, और एक वेक्टर हमारे पास कौन सा था, वो एक्स का वेक्टर था। सो अब यहाँ पे भी थीटास की कुछ वैल्यूज हैं, यहाँ पे एक्स की कुछ वैल्यूज हैं। जब मैंने इनको मल्टीप्लाई करना हो तो आपको पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हमेशा तब होती है जब उसके इंटरनल जो एलिमेंट है वो इक्वल हो। मतलब यहाँ पे m इंटू एन, मतलब या रो इंटू कॉलम्स r इंटू सी होगा, और इसका भी कोई ना कोई r इंटू सी होगा, मतलब रो इंटू कॉलम्स। जब ये इक्विवेलेंट होंगे तो ये मल्टीप्लाई होकर ये डायमेंशन बनेगी। सो इसको इक्वल करने के लिए मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया। जब मैंने ट्रांसपोज लिया तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बन गया, ये थीटास बन गए और ये हमारे पास दिस वन। मतलब अब ये हमारे पास क्या बन गया है, वन रो एंड थ्री कॉलम, वन कॉमा थ्री, क्योंकि इस केस में थ्री कॉमा वन था, थ्री रोज एंड वन कॉलम। और ये हमारे पास क्या है, थ्री कॉमा थ्री मल्टीप्लाई बाय वन। तो देखो ये इंटरनल डायमेंशन बराबर हो गई है, तो बाहर के डायमेंशन आंसर आएगा। सो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये इसी की ही फॉर्म है। यहाँ पे बायस जो है, ये वाली जो बायस टर्म है, इसको थीटा नॉट से डिनोट किया गया है, और ये भी यहाँ पे कंसिडर कर ली गई है। क्यों कर ली गई है कि हमने कह दिया कि अगर इसको एक्स नॉट यानी एक्स जीरो से मल्टीप्लाई करें और रिज्यूम कर लें कि एक्स जीरो इज इक्वल टू वन है, तो वो आंसर सेम रहेगा। वाई, बिकॉज वन इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। सो ये हमारे पास तरीकाकार है कि हम इसको इस तरीके से हाइपोथेसिस को लिख सकते हैं। सो मैंने हाइपोथेसिस को इस तरह लिख लिया। नाउ गिवन अ ट्रेनिंग सेट, ट्रेनिंग सेट में हम ये कह सकते हैं कि हाउ डू वी पिक और लर्न द पैरामीटर थीटा, हम थीटा पैरामीटर्स को लर्न कैसे करेंगे। वन रीजनेबल मेथड
seems to be make h of x close to y, at least for the training example we have. To formalize this, we will define the function Meyer. मतलब हमने ये एक cost function बना लिया. देखो ये आपको मैंने बताया कि ये 1/1 की एक आउटपुट देगा. 1/1 मतलब एक आउटपुट यहाँ पे आएगी, क्योंकि इसकी आउटपुट 1/1 आएगी. जब ये एक आउटपुट आएगी तो एक्चुअल आउटपुट और प्रिडिक्टेड आउटपुट, मतलब ये हमारे पास एक्चुअल आउटपुट थी और ये प्रिडिक्टेड आउटपुट, इन दोनों का स्के इन दोनों को एक दूसरे से माइनस करके तो उसका स्क्वेयर करेंगे, और स्क्वेयर करने के बाद उसको हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट आएगी, मतलब सम ऑफ कॉस्ट आ जाएगी, और इस चीज को कहते होते हैं कॉस्ट फंक्शन. नॉर्मली इसको हमारे पास MSE भी कहा जाता है, मीन स्केयर एरर या लीस्ट स्केयर एरर. ये हमारे पास मीन स्केयर की बजाय इसको लीस्ट स्केयर एरर को, मतलब ये लीस्ट मीन स्केयर होता है दरअसल. सो हमारे पास ये एक कॉस्ट फंक्शन बन गया. अब एक चीज यहां पे गौर करो कि हमारा मकसद इस कॉस्ट को कम से कम करना है, मतलब प्रिडिक्टेड और एक्चुअल इन दोनों के दरमियान फासला जितना कम से कम होगा, जितना कम से कम होगा उतना आपका मॉडल बेस्ट फिट करेगा. मीन्स टू से कि हमारे पास अगर ये वाले डाटा पॉइंट थे, फॉर एग्जांपल दिस वन, तो एक लाइन रिग्रेशन की मैं यहाँ पे लगा देता हूँ. अब ये जो लाइन लगी है, ये लाइन में थीटाज अगर इसके अपडेट हों तो ये लाइन बेस्ट फिट डाटा को कहाँ करेगी, यहाँ पे करेगी. तो हमने ये थीटाज निकालने हैं, इसकी स्लोप और इसका इंटरसेप्ट. ये स्लोप और इंटरसेप्ट और ये बेस्ट थीटा कैसे निकालना है, इसके लिए हमारे पास एक एल्गोरिथम. एक तो तरीकाकार ये है कि अगर हमारे पास 1000 ट्रेनिंग एग्जांपल हैं तो हम बार बार एस्टीमेट करते रहें कि अब थीटा ये लगा के देखा जाए, अब थीटा ये लगा के देखा जाए, नेक्स्ट टाइम ये थीटा लगाया जाए. तो इस तरह तो करने से शायद हम पूरे के पूरा मतलब कैलकुलेशन कॉपी पे सॉल्व कर लेंगे, या कंप्यूटर भी मतलब ओवरशूट कर जाएगा, या कंप्यूटर की मेमोरी शायद फिल हो जाएगी और ये हम कभी भी नहीं कर सकेंगे. सो दिस इज अ प्रॉब्लम विद डायरेक्टली इम्प्लीमेंटिंग और यूजिंग द हिट एंड ट्रायल और जनरेट एंड टेस्ट मेथड. मतलब मैं कोई थीटा पहले हिट कर वहां पे प्लग करता हूँ, प्लग करने के बाद उसकी कोई ना कोई आउटपुट निकालता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि क्या मेरा लीस्ट स्केयर एरर कम हुआ है या ज्यादा हुआ है. तो फिर मैं कोई नया थीटा लगाता हूँ, तमाम पहले थीटा वन चेंज करूंगा, थीटा टू चेंज करूंगा, बायस चेंज करूंगा. तो ये काम करते 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 एक टाइम आएगा कि जब ये काम नहीं होगा, मतलब मैं बिल्कुल मतलब मेमोरी एग्जॉस्ट हो जाएगी. सो इस चीज से बचने के लिए हमारे पास एक एल्गोरिथम आया था जिसका नाम है ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम. सो अगर मैं इस इक्वेशन को ओपन करके लिखूं तो ये इक्वेशन कुछ आप, क्योंकि ये हमारे पास ये वैल्यू हमें पता है इसकी क्या वैल्यू है, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह नहीं बनेगी लाइक दिस वन. ये समेशन और इसको जरा छोड़ दो, मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिखने लगा हूं. तो ये आपके पास थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स वन प्लस थीटा टू एक्स टू, और इसमें हम माइनस करेंगे क्या, माइनस वाई. तो ये हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह है दरअसल. ये एक ट्रेनिंग एग्जांपल के लिए, दूसरी के लिए, तीसरी के लिए, चौथी के लिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ करते करते हमने ये तमाम ट्रेनिंग एग्जांपल पे अप्लाई करना है. तो हर एक की कोई ना कोई आउटपुट आएगी, उस आउटपुट को हमने क्या कर देना है, सम कर देना है, और फिर डिवाइड बाय 2 कर देना है. फॉर सिंप्लिसिटी ना भी करो तो कोई हर्ज नहीं, कोई बड़ी वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी. तो हमने इनको स्केयर करना है. स्केयर करने के बाद ये स्केयर इसलिए कि अगर ये माइनस में आए तो वो माइनस खत्म हो जाए. सो एक तो तरीकाकार मैंने आपको बताया है कि हम यहाँ पे प्लग कर करके देखते जाएं थीटा वन की वैल्यू, थीटा नॉट, थीटा वन, थीटा टू की वैल्यू. ये वैल्यूज बार बार लगाएं हिट एंड ट्रायल, और शायद हमारी कॉपियां भर जाएं और हम ये काम कर ना सकें. सो वी वॉन्ट टू चूज अ
चूज अ थीटा सो टू मिनिमाइज दिस, मतलब हमने इस कॉस्ट को मिनिमाइज करना है. टू डू सो लेट सी सर्च एल्गोरिथम दैट स्टार्ट विथ सम इनिशियल गैस, मतलब हम एक ऐसा एल्गोरिथम यूज करेंगे जो इनिशियल गैस के साथ चलेगा फॉर थीटा और रिपीटेडली थीटा को चेंज करेगा और जे थीटा स्मॉलर से स्मॉलर होता चला जाएगा अनटिल होपफुली वी कन्वर्ज द वैल्यू. मतलब ये एक ऐसा एल्गोरिथम है ग्रेडियंट डिसेंट जो कि ये काम करेगा और ये इसकी वैल्यू को कम से कम करता चला जाएगा. और इस एल्गोरिथम का नाम ही ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम है. ग्रेडियंट क्यों? आप मल्टी वेरिएबल कैलकुलस पढ़ के आए हो, आप कैलकुलस पढ़ के आए हो, आपको पता है ग्रेडियंट होता क्या है. वट इज अ ग्रेडियंट? ग्रेडियंट इज दिस, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कर्व और मैं एक दफा यहाँ पे इस पॉइंट पे हूँ तो एक दफा इस पॉइंट पे हूँ, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का जो ये फासला है दिस वन, दिस इज अ ग्रेडियंट रेट ऑफ चेंज. और ये रेट ऑफ चेंज हम कैसे निकालते थे? ये रेट ऑफ चेंज हम निकालते होते थे डेरिवेटिव से. डेरिवेटिव आपने पढ़े हुए हैं, डिफ्रेंसिएशन, कैलकुलस वन में भी और कैलकुलस टू में. सो अब हम यहाँ पे ये वाला जो है ये यूज करेंगे और ये हमारे पास कुछ ये है लाइक दिस वन. सो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास एक थीटा होगा, थीटा वन फॉर एग्जांपल, माइनस एक लर्निंग रेट अल्फा होगा और फिर हम डेरिवेटिव लेंगे किसका, कॉस्ट फंक्शन का. ये आप समझ लो कि ये इतना सा ही एल्गोरिथम और ये हम रिपीटेडली अप्लाई करते चले जाएंगे जब तक हमारी कॉस्ट कम से कम नहीं हो जाती. मतलब हमें हर दफा एक नया थीटा मिलेगा, वो थीटा हम यहाँ पे प्लग करेंगे, थीटा नॉट, थीटा वन, थीटा टू, और जैसे ही वो प्लग करेंगे तो फिर कॉस्ट निकाली जाएगी तो वो कॉस्ट कम से कम होगी. दरअसल यही काम हम करना चाहते हैं. दिस अपडेट इज साइमल्टेनियसली परफॉर्म फॉर ऑल वैल्यू, मतलब ये तमाम वैल्यूज जे वन जितनी भी वैल्यूज होंगी उन सबके लिए होगी, मतलब थीटा वन, नॉट थीटा वन, थीटा टू. अल्फा जो होगा ये लर्निंग रेट है और लर्निंग रेट और अच्छा एक इसमें ना बाकी सारी चीजें तो आप कर लोगे, ये तो ओल्ड थीटा है, ये लर्निंग रेट भी आपको कोई वैल्यू दी होगी. मसला इस टर्म का है कि ये टर्म कैसे वैल्यूएट होगी, मतलब किस तरीके से हम ये डेरिवेटिव वैल्यूएट करोगे. तो आप ऑलरेडी पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ के भी आए हो तो अगर फिर भी आपको रिविजन चाहिए तो मैं इसको आपको डिराइव करके यहाँ पे बताता हूँ. इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द एल्गोरिथम वी हैव टू वर्क आउट वट इज द पार्शियल डेरिवेटिव. आपने मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के अंदर पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ा था. पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है और कब यूज किया जाता है? पार्शियल डेरिवेटिव हमारे पास जब हमारे पास एक हमारी कोई भी इक्वेशन या कोई भी ऐसा फंक्शन वो एक से ज्यादा वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा हो, एक से ज्यादा वेरिएबल्स पे. मतलब अब देखो ये वाली इक्वेशन थी कौन सी वाली, दिस वन, दिस इज द इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन. अब ये एच ऑफ थीटा एक्स ये कितने वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है इस वक्त? ये थीटा वन नॉट पे भी डिपेंड कर रहा है, ये थीटा वन पे भी कर रहा है, ये थीटा टू पे भी कर रहा है और हो सकता है आगे भी यहां पे होता. सो ये एक मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का फिनोमेना बन चुका है. सो हम क्या करेंगे, मैं इस टर्म को जरा यहाँ पे फाइंड आउट करने जा रहा हूँ. मतलब कर्ल जे ये आपको पता है ये क्या होता है, ये पार्शियल डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जे ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा जे, मतलब थीटा नॉट के हिसाब से, थीटा वन के हिसाब से, थीटा टू के हिसाब से. सो जब मैंने इस पे अप्लाई किया तो ये वाली वैल्यू तो आ गई थी, मतलब मैंने जे ऑफ थीटा पे जब ये अप्लाई किया इस पे तो ये वैल्यू क्या बनी, कर्ल जे ओवर कर्ल जे ऑफ थीटा, मतलब किसकी वैल्यू, इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूं ये वाली, ये देखो ना जे थीटा यहां पे लिखा हुआ है. सो जे थीटा हमारे पास वैल्यू क्या निकली, हम ये जे थीटा का डेरिवेटिव कंप्यूट कर रहे हैं और ये जे थीटा क्या था, ये वाली इक्वेशन थी. सो जब मैंने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया तो मेरे पास डेरिवेटिव क्या आ गया, 1/2 एज इट इज रहने दिया. और उसके बाद मतलब मैंने सबसे पहले पावर रूल अप्लाई किया, पावर को नीचे उतार लिया और उसमें से एक माइनस कर दिया तो आंसर क्या आ गया, ये वाला, दिस इज अ सिंपल पावर रूल. और नेक्स्ट इंटरनल टर्म का हमने डेरिवेटिव ले लिया. आपको याद है ना कि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर होता था तो इसका डेरिवेटिव
इसके ऊपर अगर हम डी ओवर डी एक्स लगाते थे तो आंसर क्या आता था आपके पास? आंसर होता था 2x। ये दरअसल 2x नहीं होता था, ये कुछ इस तरह होता था, 2x पावर नीचे उतार ली और पावर में से एक माइनस किया, 2 माइनस 1 ये 1 आ गया, और डी ओवर डी एक्स मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स अकेले का, तो ये हमारे पास ये 1 होता है, तो ये हमारे पास 2x आ जाता था। दिस वॉज एक्चुअल थिंग। सो हमने यहाँ पे इसी चीज को अप्लाई किया है, तो ये इंटरनल टर्म का हमने पावर रूल अप्लाई करके ये इससे कैंसल आउट हो गया, ये टर्म यहाँ पे आ गई, और जब इसका डेरिवेटिव मैंने लिया तो कर्ल जे और ये वाली वैल्यूज आ गई, मतलब मैंने इस टर्म को अब उस फॉर्मेट में लिख दिया है। तो अब उस फॉर्मेट में लिखने के बाद ये तो वैल्यू वैसे ही जीरो हो जाएगी क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, वाई बिकॉज वी आर टेकिंग द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और इस टर्म में तो थीटा इन्वॉल्व ही नहीं है। सो जब ये इन्वॉल्व नहीं है तो मैंने इसका डेरिवेटिव लिया, तो इस टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा? इस टर्म का, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1, इसका डेरिवेटिव मतलब अगर थीटा, अब देखो कौन से थीटा के हिसाब से हम ले रहे हैं, ये है ना यहाँ पे जे है, जे थीटा, अगर थीटा यहाँ पे जीरो के हिसाब से ले रहे हैं तो आपको मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का रूल पता है कि वी आर टेकिंग द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द सर्टन टर्म, उस टर्म का डेरिवेटिव 1 होता है और बाकी तमाम टर्म जो है वो कॉन्स्टेंट ट्रीट की जाती हैं। तो जब हम जे जीरो रखेंगे, वेन जे इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे ये वाली टर्म जो है ये 1 हो जाएगी और ये बाकी तमाम टर्म्स जो है ये खत्म हो जाएगी। तो देखो क्या ऐसे ही नहीं हुआ हमारे पास ये थीटा नॉट के केस में। और अगर हम सेकंड वाले का डेरिवेटिव लेते हैं, मतलब अब थीटा जे 1 का डेरिवेटिव लेते हैं, तो देखो ये टर्म जीरो हो जाएगी, ये भी जीरो हो जाएगी, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव, ये इसका डेरिवेटिव 1 होता है, तो इट मीन्स एक्स 1 एज इट इज आ जाएगा। देखो एक्स जे मतलब एक्स जे, क्योंकि थीटा 1 था, एक्स 1 एज इट इज, और यही थीटा 2 के लिए होगा। तो ये वाली टर्म मैं आपको बताना चाह रहा था कि हम यहाँ पे ये वाली टर्म लिखेंगे जिससे हम ये कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम करेंगे, और ये हमारे पास एक ग्रेडियंट डिसेंट रूल है। अब थीटा 1 के लिए कोई वैल्यू आएगी, थीटा 2 के लिए कोई आएगी, थीटा 3 के लिए कोई आएगी, या थीटा 0 1 2 के लिए आएगी। तो ये रूल जो है हम तमाम के तमाम ट्रेनिंग एग्जांपल्स पे अप्लाई करेंगे, और करने के बाद हर दफ़ा हमारे पास थीटा की वैल्यूज आएंगी। अच्छा क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये रूल हम कितने टाइम तक अप्लाई करेंगे? इसमें कोई नंबर ऑफ आइट्रेशन जो है कोई फिक्स नहीं होती, ये आपको बताई जाती हैं कि मैं 100 या 1000 या 2000 आइट्रेशन तक जाऊँगा। क्यों? क्योंकि आप एक चीज़ देखो, एरर कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, एरर आपके पास रहेगा 0.0000 सो ऑन एंड सो फोर्थ, और यहां पे जाके 1 हो, ये भी एरर तो है। ये आप अपने न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के कोर्स में पढ़ के भी आए हो। सो मैं अगर आपको ये कहूं कि आप अपने एरर को 4 डेसिमल प्लेस तक रिस्ट्रिक्ट कर दो, तो आप कर सकते हो। दिस इज हाउ इट इज डन, और ये हमारे पास एक ग्रेडियंट डिसेंट रूल होता है। अच्छा एक चीज और आपने इसमें देखी है, वो था अल्फा, वो था अल्फा। देखो हमने यहां से स्टार्ट लिया था अपने ग्रेडियंट डिसेंट रूल में, और हम चलते चलते छोटे छोटे कदम लेते लेते यहाँ पे हम कहाँ पे पहुंच गए, हम चलते चलते एक पॉइंट पे आ गए जहां पे कॉस्ट मतलब जे ऑफ थीटा जो है वो मिनिमम से मिनिमम हो गया। जीरो कभी भी नहीं होगा, ये जीरो के करीब करीब रिवॉल्व करना शुरू कर गए। सो दरअसल हमने ये वाला फेनोमिना, और जो अल्फा था इसमें, अल्फा इसमें दरअसल लर्निंग रेट था। लर्निंग रेट मतलब हम यहां से यहां पे आए, यहां से यहां पे आए। अगर मैं लर्निंग रेट 1000 रख देता तो शायद ये ओवरशूट करके यहां पे चला जाता, फिर ओवरशूट करके कहीं यहाँ पे आ जाता, मतलब कन्वर्ज ना होता। तो नॉर्मली हम अल्फा की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के इन बिटवीन रखते हैं, मतलब 0.00
वन रखते होते हैं नॉर्मली, लेकिन इसके दरमियान कोई भी वैल्यूज रखी जा सकती हैं। सो आप देखो कि हमें जो इस वो जो एग्जांपल थी उस पे जब मैंने ये चीज अप्लाई की तो हमें ये बेस्ट फिट लाइन मिली, मतलब वो बेस्ट थीटाज मिले जहां पे कॉस्ट कम से कम थी, और कॉस्ट कम से कम थी तो जब मैंने उस लाइन को फिट किया थ्रू एनी ऑफ द प्लॉटिंग लाइब्रेरी तो वो देखो मुझे एग्जैक्टली वहां पे मिला। सो दिस इज हाउ द ग्रेडियंट डिसेंट रूल्स वर्क। ये ग्रेडियंट डिसेंट रूल इस तरीके से काम करता है। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी, तो इसको आप अपने तौर पे इम्प्लीमेंट करो एंड दैट्स फॉर योर होल बंच ऑफ योर कोर्स। और अगर इसमें कोई इशू हो तो मैं इसकी एक सॉल्व एग्जाम्पल भी आपको दूंगा, आप वो भी कर सकते हो। थैंक यू।